बालों को लंबा घना मजबूत करने के आसान उपाय। हर किसी को अपने बालों से प्यार होता है। बाल अगर लंबे घने और सिल्की हों तो व्यक्तित्व में निखार आना भी लाजमी है। इसके कोई दो राय नहीं है कि सभी अपने बालों की देखभाल के लिए तरह तरह के शैम्पू, कंडीशनर और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। बेशक इन सभी उत्पादों को इस्तेमाल करने में बुराई नहीं है, लेकिन इनके अधिक इस्तेमाल से बालों की चमक खोने लगती है। बाल रूखे और बेजान होकर टूटने लगते हैं। इससे बचने के लिए कुछ लोग हेयर प्रोडक्ट बदलते रहते हैं, तो कुछ लोग बालों की सेहत के लिए दवा खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम आपको घरेलू नुस्खे आजमाने की सलाह देंगे। रोगानुसार की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ घरेलू नुस्खों की बात करेंगे, साथ ही बालों को मुलायम, चमकदार व लंबा बनाने के लिए जरूरी टिप्स भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। पहला, नारियल या जैतून के तेल से मालिश। इसके लिए दोस्तों आपको 2 से 3 चम्मच नारियल या जैतून का तेल लेना है और एक साफ तौलिया भी। अपने पसंद के अनुसार नारियल या जैतून में से कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल को हल्का गुनगुना गर्म कर लें और स्कैल्प व बालों पर लगाएं। इसके बाद करीब 15 मिनट तक सिर की और बालों की हल्के हाथों से मालिश करें। मालिश के बाद तौलियों को गर्म पानी में डालकर निचोड़ लें और उससे बालों को ढक दें। इसके आधे घंटे बाद बालों को अच्छे शैम्पू से धो लें और फिर कंडीशनर करना ना भूलें। और हफ्ते में कम से कम 2 बार इस घरेलू नुस्खे को अपनाया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि गर्म तेल से सिर व बालों की मालिश करने से बालों के रोम छिद्रों को पर्याप्त पोषण मिलता है, जिससे बालों को बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही मालिश के जरिए रक्त का संचार भी बेहतर होता है। मालिश के जरिए तेल बालों की गहराई तक जाकर उन्हें कंडीशनिंग करते हैं, जिससे बाल मुलायम व सिल्की नज़र आते हैं। नारियल तेल में मौजूद गुड़ बालों में प्रोटीन की कमी होने से रोकते हैं। वहीं जैतून के तेल में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड जैसे गुड़ मौजूद होते हैं। ये दोनों ही तेल बालों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। बालों को लंबा व सिल्की बनाने के लिए टिप्स के तौर पर आप इन तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिल्की बाल बनाने के लिए एलोवेरा का प्रयोग। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों कुछ एलोवेरा पत्तियाँ, 2 चम्मच पानी, स्प्रे बोतल। इन सभी को लेकर सबसे पहले एलोवेरा की पत्तियों को काट लें और फिर चम्मच की मदद से इसके जेल को निकाल लें। ध्यान रखें, आप पीले जेल की बजाय साफ जेल को निकालें। अब जेल को अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे इसका मुलायम पेस्ट तैयार हो सके। अब इस जेल में 2 चम्मच पानी डालें और अच्छे से मिश्रण को मिला लें। अब इस मिश्रण को स्प्रे बोतल में डालें और अच्छे से बोतल को हिला लें। इसके बाद बालों को धोने के बाद, उनके सूखने के बाद बोतल को बालों में स्प्रे करें। बालों पर स्प्रे करके उसे ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें। दोस्तों, इस उपाय को आप हफ्ते में 3 से 4 बार कर सकते हैं। एलोवेरा में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जिससे सर की त्वचा की खराब हुई कोशिकाएं ठीक हो जाती हैं। इससे बालों की रोम स्वस्थ रहती है और बालों को बढ़ने में भी मदद मिलती है। इस सामग्री का मॉइस्चराइज बालों को हाइड्रेट करने में मदद करता है और पूरे दिन बालों को सिल्की रखता है। इससे बाल मुलायम लगने लगते हैं और घुंघराले बालों की समस्या भी खत्म हो जाती है। बालों को सुंदर बनाने के लिए शहद का प्रयोग। आप शहद की मदद से भी अपने बालों को चिकना और आकर्षित बना सकते हैं। शहद आपके बालों में नमी को बरकरार रखने में मदद करता है, जिससे आपके बाल हमेशा के लिए चिकने और चमकदार हो जाते हैं। शहद एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भी भरपूर होता है, जो बालों को टूटने से बचाने के साथ इन्हें मजबूत और स्वस्थ रखता है। वीडियो के अगले हिस्से में सामग्री और विधि को जानकर आप अपने बालों पर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद से रूखे बालों को सिल्की बनाने की सामग्री। बस केवल आपको जरूरत है 2 से 3 चम्मच शहद। शहद की मदद से बालों को सिल्की बनाने के लिए आपको 1 बाउल में 2 से 3 चम्मच शहद लेना होगा। अब थोड़ा थोड़ा शहद लेकर बालों पर लगाएं। इसके बाद शहद को कम से कम 30 मिनट तक अपने बालों पर लगाए रखें और इसके बाद बालों को पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को हफ्ते में 2 से 3 बार करने पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
बालों को सिल्की बनाने के लिए अंडा का इस्तेमाल। अंडा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है जो आपके बालों को पोषण देने के साथ इन्हें शाइनी और सिल्की बनाता है। अगर आप नियमित रूप से अंडे का इस्तेमाल अपने बालों पर करेंगे तो यह आपके बालों को कंडीशन करने में मदद करेगा। अंडे की मदद से आप घरेलू तरीके से बालों को सिल्की बना सकते हैं। बालों को सिल्की बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक अंडा, एक चम्मच ऑयली ऑयल, एक चम्मच शहद को लेकर एक बाउल में मिला लें और अब तैयार हुए इस मास्क को अपने स्कल्प पर लगाएं। जब ये मास्क पूरी तरह से बालों पर लग जाए तो शावर कैप से बालों को 30 मिनट के लिए ढक दें। इसके बाद बालों को शैम्पू कर ठंडे पानी से धो लें। ये प्रक्रिया आप हफ्ते में 1 से 2 बार अपने बालों पर अपना सकते हैं। ड्राई हेयर को सिल्की करने में इसका जल्द ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।